हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीवी फैक्ट्स में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैसे अमेरिका के स्मॉल फैमिली फार्म विलुप्त होने की कगार पर हैं। हर साल अमेरिकी स्मॉल फैमिली फार्मर कम हो रहे हैं। आज हम आपको ले चलते हैं विस्किंसन राज्य के फेरमोंट गांव में। यहाँ के एक किसान परिवार ने लगभग 2 शताब्दी से इस गाँव में गायों का पालन पोषण और खेती बाड़ी का काम किया और अभी ये यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन इस समय ये भारी संकट में घिरे हुए हैं। यह परिवार अब इस फार्म और इसकी 100 गायों का संचालन करता है और उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न तरह के उतार चढ़ाव देखे। सूखा, बाढ़, वर्कर्स की कमी, डेयरी और फसलों की कीमतों में भारी गिरावट, लेकिन उन्होंने ऐसा संकट पहले कभी नहीं देखा जो इस समय अमेरिका के छोटे किसान पूरे अमेरिका में देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ का किसान परिवार लगभग $3 लाख यानी 2.5 करोड़ के कर्ज में है और बैंक अपने बिल के पुनः भुगतान के लिए उन्हें हर रोज परेशान कर रहे हैं। किसान परिवार कहता है कि पैसा कमाना अब पहले से कई ज़्यादा मुश्किल है और कर्ज चुकाना तो दूर की बात। वे अपने फार्म वर्कर्स को समय पर सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। किसान परिवार को बेचे हर 100 पाउंड दूध के लिए लगभग $16 मिलते हैं, यानी 45 किलो पर 1300 रुपये, जो 6 साल पहले की तुलना में 40% कम है। कई बार दूध का सारा पैसा लोन के भुगतान में चला जाता है। उस समय वर्कर्स की सैलरी और घर का खर्च चलाना बहुत भारी पड़ता है। दुनिया की नज़रों में अमेरिकी छोटे परिवार के फार्म आज भी एक सुंदर, संपन्न और एक आदर्श खेती करने वाले लोग हैं। कई छोटे अमेरिकी किसान अपनी फसलों को उनकी उत्पादन लागत से कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हैं। यह बहुत ही डरावना है। आप हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं और हर दिन ऐसा लगता है कि आप हमेशा संघर्ष कर रहे हैं। किसान कहते हैं कि कीमतें इतनी कम हो गई हैं कि किसान अपनी खेती को चलाए रखने के लिए अन्य तरीकों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरह से वे अपने लोन और घर का खर्च चला सकें। जहां दूसरी तरफ फार्म वर्कर्स की सैलरी बढ़ रही है, वहीं फसलों और दूध की कीमतें दिन प्रतिदिन कम हो रही हैं। पिछले 5 सालों में खेती की कमाई में 40% की भारी गिरावट हुई है। हालात अब ये हैं कि किसान अपने खेत को बेचने के लिए मजबूर हैं और दूसरे व्यवसाय ढूंढ रहे हैं। एक समय ऐसा था कि जब अमेरिका के स्मॉल फैमिली फार्मर एक खुशहाल जीवन जीते थे, उनके पास सारे मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी खेती करने के लिए होती थी, गवर्नमेंट की सब्सिडी से कर्ज का बोझ भी काफ़ी कम रहता था। लेकिन धीरे धीरे जब बड़ी कंपनियां खेती करने के लिए आईं, उन्होंने बड़ी मात्रा में पैदावार बढ़ाई, उत्पादन किया और धीरे धीरे उत्पादन के दाम गिराए, जिसका सीधा असर अमेरिका के स्मॉल फैमिली फार्म पर हुआ। गवर्नमेंट की सब्सिडी भी अब पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो चुकी हैं, जिसका सीधा असर किसान पर हुआ और अब आज वो बहुत ही बुरी स्थिति में है। और आंकड़े ये कहते हैं कि हर साल जो अमेरिका के स्मॉल फैमिली फार्मर हैं वह 10-10% की कमी से कम हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा पूरा वीडियो अमेरिका के स्मॉल फैमिली फार्मर की स्थिति पर। और आज भी अमेरिका में आप न्यूज़ चैनल में देखोगे तो हर राज्य में वहाँ पर किसान प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, बड़ी बड़ी कंपनी के अगेंस्ट, ताकि उनको थोड़ा राहत मिल सके किसी न किसी रूप में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप हमें YouTube के सुपर थैंक्स से भी सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।